सो ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई नीड टू टेल यू। देखो सबसे पहले यू नीड टू लर्न अबाउट द स्क्वेयर्स। सो मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कितना है? 4 4 4 3 4 9 4 16 16 5 16 25 25 36 36 7 49 49 49 64 64 64 81 81 Any doubts? Any doubt till here? No, sir. Sure. So, these are the squares. These are called as squares. Squares means when you multiply two numbers, that is 2 into 2, it will give you 4. 3 into 3, it will give you 9. That it becomes like this. Done? Yahan to koi doubt? Now, ab square, kisko bolte hai? Square roots. Square roots means opposite. Okay, root 4 ka square root kya hoga? Answer kitna hoga? Batao, dekhke. 2. Root 4 ko hum log likhte hai 2 into 2. Jab bhi aisa rehta hai. जब भी कोई दो दो कॉमन फैक्टर्स दिखते तो उसमें से एक बाहर निकालने का 2 9 यू टेल मी इट इज रूट 3 इनटू रूट 3 हाउ मच इट विल बी Yeah, am I clear now? Yeah, actually वो light, there's no Wi-Fi connection, that's why. Okay. Now, see, one of the most important part is you need to know the what is the square root of 16, you tell me? 4. 4 into 4. Square root of 25. Square root of 81. Then 9 into 9. 9 into 9. 9, only 9. Square root of 64. 8. 8. Square root of 30. Square root of 16. 4 into 4. Square root of 7. 7. Square root of 4. 2. 2. Square root of 100. 10. 10. क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट सर। ओके 11 का स्क्वायर सर 112 हां बेटा 144 जस्ट वेट। किसको नहीं समझा बेटा? श्लोक? यस। हां बेटा क्या नहीं समझा? सर समझा ही नहीं आपने जो अभी पढ़ाया बेटा। कुछ नहीं, ये नंबर्स को अगर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 तो ये 4 हो जाता है। 2 टू 4 क्या होता है? 4। सिमिलरली ये जो 2 का स्क्वायर, 2 का डबल होने पे क्या होता है? 4। 3 का डबल होने पे स्क्वायर पे 9। 4 का डबल स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। इसको याद करना है बस। समझा अभी? इसे याद करना है, ये करना है। क्लियर? ओके नाउ इसको याद करो। 11 का स्क्वायर कितना है बताओ पहले? 121 12 का स्क्वायर 140 144 13 का स्क्वायर 169 14 स्क्वायर 196 15 का स्क्वायर 225 अच्छे से याद करो। चलो स्टार्ट।
327 हो गए। वेट जस्ट फॉर मिनट वेट। नहीं हुए गए। सर 30 सेकेंड्स बाकी। अरे जस्ट वेट बेटा। हो गए 27। सिद्धांत 27 हो गए। या ओके सार्थक सर, थ्री सार्थक ने ट्वेंटी बोल दिया हो चलो। गए सर हाँ बिकॉज सम नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। ओके रेडी फॉर द कंपटीशन। यस सर। चैट यस बॉक्स सर। में सबसे पहले कौन आंसर बहुत देता है। ओके रूट स्क्वायर रूट ऑफ 64। एट करेक्ट। नो एट इन द चैट बॉक्स। नमन सेट द परफेक्ट आंसर। तो मैंने सब नमन गिव द आंसर। डन। स्क्वायर रूट ऑफ 196। वेरी गुड इप्सा। परफेक्ट अथर्व। मीरा तौहिद सिद्धांत अक्षरा। थोड़ा प्रॉब्लम आएगा बेटा मोनिश। स्क्वायर रूट ऑफ 225। सर 15। अरे सेंडिंग आई सेंड इन द चैट। अच्छा आई टोल्ड यू सेंड द चैट बॉक्स। स्क्वायर रूट ऑफ 25। 5। स्क्वायर रूट ऑफ 49। 6। चैट कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 81। ओके स्क्वायर रूट ऑफ 144। वेरी गुड सिद्धांत अथर्वा। रीव का आंसर नहीं आया। इप्सा का आंसर नहीं आया। सर मैंने सार्थक के एकदम बाद दिया, मतलब साथ में ही दिया, पर सार्थक का पहले चले गया। ओके सर बाप रे सब लोगों ने 329 329 329। फर्स्ट टू 15 क्लियर है बेटा अभी। यस सर। यस सर। सिक्सटीन। नो सर। यस सर। 18 19। किसको क्लियर नहीं हुआ बेटा अभी तक? सर मुझे सर ये 1 to 15 सारे स्क्वायर रूट्स मेरे पापा ने मुझे रटा डाल। वेरी गुड वेरी गुड धवल। सी श्लोक एक्सक्यूज मी सर करना पड़ेगा। हाँ बेटा तो आई सर प्लीज सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन हाउ टू टेक ए स्क्वायर रूट। नहीं साहब हमें 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट रटाने वाले हो। नहीं नहीं 30 तक नहीं 20 तक। डोंट वरी। सी 3 into 3 मींस व्हाट हाउ मच इट बिकम्स तो आई 3 into 3 9। नाइन। अगर मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 को कैसे हम लोग लिखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 के फैक्टर्स निकालना है। 27। नो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आई सेड। तो 9 को हम लोग 3 into 3 लिखते हैं। तो जब भी ऐसा रहता है तो एक फैक्टर न्यूट्रलाइज होके आपको सिर्फ आंसर मिल जाता है 3। सो 3 का ये क्या होता है 3। इज इट क्लियर सर? गिव प्लीज प्लीज गिव मोर एग्जांपल्स। 4 into 4 इट विल बी 16। सर 16 अगर मैंने लिखा है रूट 16 तो आपको उसका आंसर लिखना है ये वैल्यू दैट इज 4। डन। यस सर। आई सेड 5। It, I said 5 into 5 is 25. अगर मैं root 5 root 25 लिखूं तो आपका आंसर क्या लिखना पड़ेगा? 25 is equal to 5. Clear, Tohid? Yes, sir. Your screen is white, sir. Sir, please, 16, 17, 18, 19. Yeah, 16 is 256. 16 का वैल्यू कितना है? Square root of square of 16 is 256. 256. 17 का स्क्वायर या 289. सर सर लर्न कर लो सर। हो गए
सर आप रैंडमली पूछो किसी से। नहीं नहीं सर, चैट बॉक्स में पूरा सब सब लोगों का यस सर, कंफ्यूजन था। रैंडमली पूछो रैंडमली, नहीं बेटा, क्योंकि सर जो स्लो टाइपर्स है वो पूछ नो नो रहे नो, थे। नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। कभी भी आगे बढ़ना है तो सबको लेके बढ़ना पड़ता है बेटा, अकेले नहीं। ऑलवेज यस लर्न। सर, सबको एवरी वन को चैट बॉक्स में करता हूँ। सर व्हाट करता हूँ यस बेटा बोलो। यार, मैंने बोला था कीबोर्ड से फास्ट टाइप करता हूँ बस। अच्छा ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? सर 24, 24, 24, ट्वेंटी फोर आई फोर नीड टू गिव अ कॉल टू पेरेंट्स नाउ टुडे। ओके सर आप सो रोज ही ऐसा बोलते हो। सर होगा आज कॉल। 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ? 289, 70, 17, 70, रूट थ्री ट्वेंटी 77, फोर, रूट 324, 18, ट्वेंटी, रूट 400, 20, ट्वेंटी, ट्वेंटी, रूट 361, सर नाइनटीन, नाइनटीन, रूट 144, सर ट्वेल्व, ट्वेल्व, रूट ट्वेल्व, 169, ट्वेल्व, सर ट्वेल्व, थर्टीन, 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 रूट 256, सर सिक्सटीन, 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 रूट 400, ट्वेंटी, सर ट्वेंटी, ट्वेंटी, रूट 416, व्हाट सर टू सर, फिफ्टी सिक्स, टू फाइव सिक्स, 216, फिफ्टी रूट सिक्स, 16, रूट 16, टू फाइव सिक्स, रूट 16, सिर्फ रूट फोर 16, फोर, टू फोर फाइव सिक्स, सर फोर फोर फोर। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर 21 का स्क्वायर। थ्री, किसका नहीं समझा? सर व्हाट यू सेड तोहित? थ्री, फॉर व्हाट थ्री बेटा? तोहित क्या बोला बेटा आपने? समझा नहीं, बोलो जोर से बोलो ना। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा क्या आप रूल्स है उसके। और बेटा तोहित आप टाइम पे ज्वाइन हुए क्या 3 o'clock को, मुझे बताओ पहले। यस सर, बेटा आपको सर फैक्टर बस निकालना उसी है। नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है वेट आपको वेट 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 करना। पर बीच में वेट जस्ट मेरा वेट। ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ हाँ था वेट, इसलिए तो मैं आई समझ नहीं सी पाया था। 2 × 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 square, तो 2 × 2 इट हाउ मच बिकम्स, इट बिकम्स 4। ये क्लियर हुआ फोर क्या? सिमिलरली यहाँ पे यस सर, 20, ये 20 का स्क्वायर, 20 मींस 20 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, इट बिकम्स लाइक 400। यहाँ तक फोर क्लियर है हंड्रेड क्या? इसको बोलते हैं स्क्वायर्स। अगर मैं ऐसा एरो पुट करता हूँ एंड इसको 400 लिखता हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। हाउ मच इट, व्हाट वी कॉल इट एज? स्क्वायर स्क्वायर रूट, रूट, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, कोई डाउट? नो सर, सर ठीक है। तो सिमिलरली ये 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, तो एग्जाम में आ गया 324, तो आपको याद करना पड़ेगा 324 इज अ स्क्वायर, 324 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 18, इट इज लाइक दैट। क्लियर अभी? तो आई विजिट किया इट इज डन। क्लियर। ओके शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? 21 का है स्क्वायर 441, सर व्हाट इज द स्क्वायर? 441, 441, 441, 22 का स्क्वायर सोचो क्या होगा? 484, 484, 484, ओके 484, 23 का स्क्वायर 599, 529, 529, 529, 24 का स्क्वायर 576, 576, 576। ये सभी को आप ना उसमें लिखो, एक कॉपी में लिखो, उसको एक पेज पे लिखो और दीवार पे चिपकाओ। ओके हाउ मच टाइम आई शुड गिव यू? 2 मिनट्स, 3 मिनट्स? सर 1 मिनट। या एंड अगर कोई इंटरेस्टेड है सो यू नीड टू मेक अ वीडियो जिसमें आप ना कंजर्वेशन ऑफ वाटर या स्वच्छता अभियान के बारे में बता रहे हो आपके नाम के साथ।
प्रीत, सिद्धांत, इप्शा, मीरा, सार्थक, क्लियर यस बेटा? सर, यस सर, योर अभी लिख अभी के, इसको ना लिख के रखो। और एक यस ट्रिक, सर, द स्क्वायर रूट ऑफ 16, 17, 18, 19 एंड 20। हाँ सी, वन मोर ट्रिक। अगर आखिरी में डिजिट 5 आता है सो क्या करना है, इसके समय क्या करना, जब भी ऐसा 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देना 25 ऐसे नीचे, एंड 2 के बाद एक नंबर क्या आता है एक्चुअली 3, सो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 2 × 3। हाउ मच इट बिकम्स 2 × 3? तो 25 स्क्वायर विल सिक्स बिकम 625। 35 का स्क्वायर, सो 35 सी, पहले 5 का स्क्वायर तो लिख दो 25 आग बंद करके। अब 3 के बाद नंबर क्या होता होगा, फोर फोर एंड 3 इंटू इनटू 4 इज हाउ मच, थ्री 1,000 3 इंटू 4 इज हाउ मच, 12 12। सर सो आंसर विल 12 बी 1225। अगर 45 का स्क्वायर है तो बताओ, खुद से बताओ, चलो 5 का स्क्वायर फाइव डिवाइडेड फाइव जा 25 एंड देन आफ्टर फोर इट इज कमिंग फाइव सो 65 का बताओ, चलो 65 का बताओ, सर फाइव फाइव जा 25 देन आफ्टर थर्टी टू सेवन फाइव सिक्स जा 42 4225 डन। एनी डाउट? नो सर, आई डिडंट स्टूड, कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन? बेटा सबसे पहले इस 5 को मैंने स्क्वायर किया तो इसको लिख देना 25 यहाँ पे, ठीक है श्लोक? यस सर, लेकिन आखिरी डिजिट में 5 होना चाहिए। अब 6 के बाद विच नंबर कम्स, विच नंबर आफ्टर 6 कम्स, सेवन 7। उसको मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 6 7 जा श्लोक, श्लोक 6 7 से सर कितना आता है 30 बेटा, 32। 42 32 सो 42 25। आप लोगों को नंबर्स याद करना पड़ेगा बेटा, बिना विदाउट नंबर्स विदाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल्स नहीं होगा ये। क्लियर है श्लोक कब से? ठीक यस सर, है, ये एक हो गया। यहां तक किसी को डाउट? सर अब कोई नंबर आ गया बहुत बड़ा 3024, अब इसका पूछना, ही आस्क्ड यू टू टेक आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 3024। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, यहां तक जो थे नॉर्मली सॉल्व हो गए, बट ऐसा है कि नंबर्स बहुत बड़े बड़े आते हैं तो इसका क्या करेंगे हम, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो कितने बड़े सकते हैं? 3024 लाइक दिस ऐसे ही आ सकते हैं, ठीक है? नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक ऐसा फैक्टराइजेशन करना है 3024 का, सो करो उसको फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। जब तक वो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता, 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12, 58 2 6 2 7 14, 44 44 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। अब देखो 2 के टेबल में आता है कि 189, बताओ आता है क्या? हाँ, थ्री सिक्स जा 18 एंड 3 3 9, देन 3 1 3, 2 6, 3 1 3, 3 7 21, सर 3 7 जा एंड 7 1 7। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, अब सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, इस स्क्वायर रूट को ऐसे एक्सपांड करना, ये जितने भी नंबर्स उसके अंदर में है उसको लिख लेना, 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3, देन अगेन 3 6 18, 3 9, 3 2 6, 3 7, सर 18 × 7, कुछ गलती हुई क्या बेटा? 1 मिनट, टू वन सर इट्स जा रॉन्ग, हाँ समवेयर इट इज रॉन्ग, सर बट रॉन्ग है कहीं ना कहीं गलती हुई है अपने साथ। कहीं कहीं गलती ओके, वी कैन डू इट अगेन, 3024 डिवाइडेड बाय 2। टू वन जार टू, टू फाइव जार टेन, ओके 2 1 2, 2 2 4, इज इट करेक्ट? यस सर, आउट ऑफ 3024 यस सर,
Somewhere we are going wrong. 44, sir. I think we can't take out. 44. नहीं वेट 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 स्क्वायर ऑफ कुछ और गोइंग सर इट इज गोइंग करेक्ट श्योर यस सर इट वाज गोइंग करेक्ट इट्स रॉन्ग हाउ कम यस सर इट्स रॉन्ग वी कांट टेक आउट द रूट ऑफ 3024 जस्ट वेट एक नंबर ले रहा 784 जस्ट वेट 784 324 3024 का आता है बट वी आर नॉट हैविंग टाइम डू द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 2 1s are 2, 2 3s are 6, then 18, 2 9s are 18, 2 2s are 4. Sir, re-explain. Yeah. Factor. Sir, वही है जो आपने डाल. कुछ नहीं. See, मन में करो. 7 है, तो 2 3s are 6. Remainder बचा तो कितना गया? कट गया तो 1. So 2 9s are 18 and 2 2s are 4 like this. ठीक है? It will be 28. Yeah, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 8s are, sorry, 2 9s are 18, 2 8s are 16. Okay, 2 4s are 8, 2 9s are, then 7 7s are 49, 7 into 7 1s are 7. यहाँ तक, हाँ, now see, ऐसा जब भी आता है 784 root, so इसके factors निकलना चाहिए, see, 2 into 2, then 2 into 2, then 7 into 7. यहाँ तक किसी को doubt है क्या, ये factorization निकालना है step 1, then ऐसे लिखना है स्टेप टू यहाँ तो कोई डाउट बताओ पहले मुझे नो सर स्टेप वन श्लोक ये फैक्टराइजेशन नहीं आता है कि बेटा सिक्स क्लास में है ना आपको फैक्टराइजेशन हाँ सर पर ये सेवन से नहीं समझा बेटा सेवन सेवन फोर्टी नाइन टू के टेबल में नहीं आएगा थ्री के टेबल में नहीं आता सेवन के टेबल में आता सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन सेवन वन जा सेवन सिर्फ वन तक लाके छोड़ना उसको लास्ट में ओके यस सर एंड देन ये लिखना है कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स है इसको लिखना है अब सुनो क्या करना है नाउ पेयर इट दो दो के पेयर में लेकिन सेम नंबर होना चाहिए टू है तो टू थ्री है तो थ्री फोर है तो फोर जब भी ऐसा होता है इस पेयरिंग में सिर्फ एक ही नंबर बाहर आता है टू इंटू यहाँ से भी एक ही बाहर आएगा और यहाँ से भी एक ही बाहर आएगा देन यू नीड टू मल्टीप्लाई टू टू ज फोर फोर इंटू सेवन इट विल बी हाउ मच 28 सो आंसर विल बी 28 जो बड़े नंबर्स है उनको फैक्टराइज करो उनको स्क्वायर रूट में पुट करो उनकी जोड़ियां बनाओ अगर इस नंबर में ऐसा आ जाता 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 3 सर अब क्या करेंगे हम तो उसमें एक नंबर आ गया तो सबसे पहले देखो पेयरिंग किसकी हो रही इन दोनों की होगी इन दोनों की होगी इन दोनों की होगी लेकिन 3 का कोई पार्टनर है क्या no. पार्टनर नहीं है सो क्या होगा ये जितने भी नंबर है तो बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट के बाहर में 2 into 2 into 7 बट ये जो नंबर है जिसका जोड़ीदार कोई नहीं है वो सिर्फ रूट में रह जाएगा इट विल बी लाइक दिस डन यस विल बी 28 रूट 3 सो जब भी बड़े नंबर्स आते हैं देखो जितने 25 तक आते हैं ठीक है याद कर लो 25 के ऊपर जितने भी आपको इस फैक्टराइजेशन मेथड से करना है ठीक है यस सर थैंक यू एनी डाउट सर वो आप लैबोरेटरी का कुछ बताने वाले थे यस सर साइंस हाँ मैं एक्चुअली मेरे को पूछना है समरीना मैम से